दोस्तों बांग्लादेश को हराकर अफगानिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई तो बौखला गए पाकिस्तान के दिग्गज। BCCI और अफगानिस्तान पर बेईमानी के आरोप लगाते हुए जो पाकिस्तानी दिग्गजों ने बयान दिया है, सच में उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। शोएब अख्तर से लेकर मोहम्मद हफीज, रमीज राजा से लेकर वकार यूनिस जैसे खिलाड़ियों ने क्या बोला है, आइए चलिए दिखाते हैं पाकिस्तान के इन सभी खिलाड़ियों के बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों इस बार के T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम ने वो करके दिखा दिया है जिसको देखकर पाकिस्तान की टीम शर्मा जाए। जी हाँ, अफगानिस्तान ने शान से सेमीफाइनल में प्रवेश किया है बांग्लादेश को बुरी तरीके से रौंद कर। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 115 रन बनाए थे और इसे भी डिफेंड कर लिया। जी हाँ, राशिद खान ने 4 विकेट लिए और नवीन उल हक ने 4 विकेट लिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी दिग्गजों का ये कहना है कि अफगानिस्तान की टीम ने बेईमानी करके ये मुकाबला जीता है, जिसमें BCCI की भी साजिश है। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जोनाथन ट्राउट ने गुलबदीन नाइब की तरफ इशारा किया था और उन्होंने क्रैम्प करने का बहाना कर दिया था। अब इसको ही मुद्दा बनाकर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान की टीम की जीत के मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। आपको बता दें, शोएब अख्तर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, बेशक अफगानिस्तान ने अच्छा क्रिकेट खेला है, उनके गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाया, लेकिन मुझे लगता है कि इन अफगानियों ने भारत के साथ मिलकर बेईमानी की है। बांग्लादेश ये मुकाबला आसानी से जीतता हुआ दिखाई दे रहा था, मुझे पूरा भरोसा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन अचानक से अफगानियों ने बेईमानी करनी शुरू कर दी और बांग्लादेश की टीम ये मुकाबला हार गई। ये बेहद ही शर्मनाक है, जिसमें BCCI की भी चाल लगती है और यही सही समय है कि ICC BCCI की पोल खोले। दोस्तों शोएब अख्तर के बाद मोहम्मद हफीज ने तो और भी बुरा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में कभी नहीं पहुंच सकती, उनकी औकात ही नहीं है। बिना बेईमानी के ये अफगानी टीम आगे बढ़ ही नहीं सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। भारत हमेशा अफगानिस्तान का सपोर्ट करता है, न जाने उन्होंने उन्हें कौन सी घुट्टी पिला रखी है, और इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी, सरेआम बेईमानी कर रहे हैं। जोनाथन ट्राउट इशारा कर रहा था, ये बेहद ही गलत है, शर्मनाक है और क्रिकेट को बदनाम करने वाला है, इस पर जरूर जांच बिठानी चाहिए। दोस्तों मोहम्मद हफीज के बाद बड़ा बयान दिया है मोहम्मद रिजवान ने। रिजवान ने कहा, ये क्या था जिसे मैंने देखा, ये बेहद ही शर्मनाक था, ये तो सरेआम बेईमानी है। टीम का हेड कोच इस तरीके से इशारा कर रहा है और खिलाड़ी को अचानक से क्रैम्प आ गया, ये बेहद ही शर्मनाक है। मैं ICC से अपील करता हूँ कि BCCI और अफगानिस्तान की टीम पर जांच बिठाए, जरूर कुछ न कुछ निकलेगा, दाल में जरूर काला है। दोस्तों मोहम्मद रिजवान के बाद पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वकार यूनिस ने भी बड़ी बात कह दी है। वकार यूनिस ने कहा, अगर कोई भी टीम मुकाबला खेल कर लड़कर जीतती है तो अच्छा लगता है। अफगानिस्तान की टीम ने पहले तो अच्छा खेला था, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने की चाह में उन्होंने बेईमानी कर दी और खुलेआम बेईमानी की है, जिसमें BCCI की सबसे बड़ी चाल है। BCCI के सपोर्ट के बिना इन अफगानियों के पास कहां दम है कि वो बेईमानी कर पाते। ये क्रिकेट को बदनाम करने वाला है, ICC इस पर जरूर कार्रवाई करे, नहीं तो ये बेहद गलत होगा। दोस्तों पाकिस्तानी दिग्गजों ने जो हैरान करने वाला बयान दिया है, वो सच में उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान की टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला है या फिर उन्होंने सच में बेईमानी की है? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।